गावा सर, जो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका दिल काफ़ी मजबूत हो और जेब में पैसे भी हों, तो क्या एक जोखिम लेके निफ्टी को लॉन्ग कर दें इस समय? यस, आज के लिए इंट्राडे के लिए यस करना चाहिए, जगह बहुत अच्छी है, मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए, आज का लो स्टॉप लॉस लगाइए, हो सकता है थोड़ा एक बार टूट जाए, लेकिन यही जगह अच्छी है। जो सेटअप देख रहा हूं मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पॉट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर्स में होल्ड किया है 18,042,000, बैंक निफ्टी होल्ड किया है, दोनों ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स है, तो यही से तो एक बाउंस होगा, क्योंकि पुट्स एंड कॉल्स यहीं पर प्ले करते हैं, तो बस मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, एक एग्रेसिव है ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए बस, और स्टॉप लॉस मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है, हम तो अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो राय गावा सर दे रहे हैं ये बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, और जो लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हैं सिर्फ उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप इस मौके पे थोड़ा रिस्क लेकर के अगर आपको लगता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको शाम तक अच्छा खासा पैसा बन जाए, लेकिन रिस्क भी इसमें है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सोमेश जी जालौर राजस्थान से। सोमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे को सर एक टाटा पावर का था 200 शेयर, और एक सर अंबुजा सीमेंट के थे 32 शेयर। किस किस भाव में लिए टाटा पावर? वो टाटा पावर 127 रुपये में लिया हुआ है, 140, और अंबुजा सीमेंट वो 439 रुपये में लिया हुआ है। 439 रुपये। गावा सर, अंबुजा और टाटा पावर क्या करना चाहिए इनको? पर टाटा पावर में थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है और वीकनेस दिखे, लेकिन थोड़ी वीकनेस है मैं कहूंगा, और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। रही बात अंबुजा सीमेंट की, वो चार्ट मैं निकाल लेता हूँ, अंबुजा सीमेंट में भी थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है लोअर लेवल आते दिनों में देख पाएंगे, लेकिन सपोर्ट करीब 500 के आसपास है, वहां पर शायद अगर संभल जाए तो ठीक है, मुझे लगता है वहां पर शायद संभल जाए अंबुजा सीमेंट। ये तो एक वीक है और एक संभलने की संभावना, हालांकि अंबुजा में इनको प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड बना के चलिए। अगला सवाल है पंकज जी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोरीगांव असम से। मोरीगांव पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका और ये शहर का नाम क्या है आपके? असम से हूँ मैं, मरेगा डिस्ट्रिक्ट। ओके मोरीगांव, बताइए क्या सवाल है सर आपका? हाँ मेरे पास RBNL है 750 का, 69.50 में लिया था, और IRFC है 1200, 32.50 में लिया था, अभी ओके। सर क्या करना है मुझे? RVNL आपने लिया है 69 रुपये में और ये चल रहा है 63 पे। IRFC लिया आपने 32 रुपये पे, चल रहा है ये 29 के आसपास। गावा सर बताइए, रेलवे की जो एक रेल, पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रेलवे के ये जो चार पांच स्टॉक्स हैं छोटे छोटे टिकट साइज़ वाले, इसमें एक हाँ बहुत ही बड़ी रैली बनी है पिछले 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने में, आपका 2 महीने मैक्सिमम में एक बड़ी रैली बनी है। 2-3-4 गुना, 20 रुपये वाला शेयर 80 रुपये तक गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जब ये 3 गुना चल चुका था उसके बाद एंट्री ली है। करेक्ट, उनमें से एक ये भी है पंकज जी, जिन्होंने RVNL 69 रुपये में खरीदा और अभी 63 पे चल रहा है, और ये शायद 80, 85, 88 तक गया था। तो पहले बताइए RVNL में क्या करना चाहिए? आरबीएनएल एक एक्सटेंड हो चुका, थोड़ा अपर रीजन पे एग्जॉस्ट हो चुका।